पीएनडीटी की टीम है और एक बहुत बड़े मामले का आज पर्दाफाश हुआ है। आज तक हमने एक बंदे दो बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। ये लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ इनको एक गुलाबी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलाबी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ दिया। खबर हापुड़ से है, जहाँ हापुड़ में हरियाणा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलकर लिंग जांच परीक्षण गिरोह का पर्दाफाश किया। लिंग परीक्षण कराने आई 5 महिलाओं सहित 6 एजेंट गिरफ्तार। हजारों रुपए लेकर एजेंट अज्ञात घर में करते थे लिंग परीक्षण। कई जिलों से जुड़े हैं गिरोह के तार। पुलिस स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अन्य ठिकाने पर दे रही दबिश। महिलाओं को जंगल में छोड़कर फरार हुए गिरोह के सदस्य, पिता पुत्र सहित 6 एजेंट गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नगर कोतवाली का है मामला। हापुड़ से संवाददाता राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। ये पीएनडीटी की टीम है और एक बहुत बड़े मामले का आज पर्दाफाश हुआ है। आज तक हमने एक बंदे दो बंदे को पकड़ते हुए देखा है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लिंग जांच के लिए यहाँ आते हैं और थोक में आते हैं। अच्छा, ये लोग तक अगर हम बात करें तो हमारा एक पेशेंट था, हम उसको लाए थे, उसको कराया था। हमारा जो डिकॉय था उसके साथ में हमने 4 और गिफ्ट में मिले। ये 4 की और लिंग जांच की जगह के हैं और ये हापुड़ में यहाँ सेटल होता है। यहाँ से किसी गाड़ी में बैठा के इनको कहीं घर में ले जाया जाता है और उसकी भी तहकीकात चल रही है कि किस घर में हो रहा है ये गोरख धंधा और इसमें मोटी कमाइयाँ इसकी आड़ में पैसे की जाती है। एक्चुअली वैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक प्रोग्राम चला हुआ है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम हरियाणा की टीम से, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमने एक डिकॉय लिया, एक पेशेंट लिया, उसकी लिंग जांच के लिए 70,000 रुपये में ठहर हुआ और वो 70,000 रुपये में लेता हुआ वहाँ से चलता चलता 3 बार उसने व्हीकल चेंज किए, कभी मोटरसाइकिल पे है, कभी कार बदली है। उसके बाद में यहाँ हापुड़ में उसको लाया गया, यहाँ से ले जाने के बाद में गाड़ी में बिठा के ले जाया गया और उस गाड़ी में बिठाने के बाद में किसी घर में उसकी जाँच कराई और उसके बाद में इन्होंने और तो और जब इनको पता लगा, हमने एक दो एजेंट थे जो हमें लेके आए थे उनको भी हमने पकड़ लिया साथ में। अभी हम जा रहे हैं, वो प्रक्रिया जारी है। अभी कुछ नहीं हाथ लगा है कि जो बंदे गाड़ी वाले थे वो अभी पता लगा है, वो भी उन मरीजों को हाईवे पर छोड़ के भाग गए। जो यहाँ हापुड़ लाया जाता था या लिंग परीक्षण होता था और मोटे पैसे वसूल कर, ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकॉय था वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए, इनका पूरा था पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जांच जारी। इसमें 4 हमारे जो लेडीज़ पकड़े जिन्होंने कराया वो हैं हमारे साथ और 6 जो दलाल थे जो इनको कराने के लिए यहाँ लाए थे उसका मुझे जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी जो हरियाणा वाली टीम आई थी उनके द्वारा ही नोट दिए गए थे, इसकी जानकारी उनको।